हदीसें लिखने बैठा। पहली मरतबा उस मौके पर मैंने वो हदीस पढ़ी, इत्तफाक से उससे पहले मेरी नजर से नहीं गुजरी थी। मूसा अलैहिस्सलाम की रिवायत है, उसमें सबसे बड़ा गुनाह क्या है? सबसे बड़ा हम समझते हैं किसी को कत्ल कर देना, गीबत कर देना, जिना कर लेना, शराब पी लेना है, हम तो इसको समझते हैं। उस हदीस में था सबसे बड़ा गुनाह ये है, माँ बाप बुलाएं और मैं कह दूं मेरे पास टाइम नहीं है, सबसे बड़ा गुनाह। और हमने ये कितनी बार किया होगा, हम तो ऑर्डर चलाते, माँ को कह देंगे सुबह इतने बजे मुझे नाश्ता चाहिए, मेरे कपड़े चाहिए, मेरे दोस्त आ रहे हैं, ये पकड़ना चाहिए। माँ या नौकर है? अगर बाप आपकी को करे तो आप कहते तूने क्या किया, तेरे बाप ने भी तो तेरे साथ किया था, यूं आगे बात करते। ये घरों में खराबियां इसीलिए आई हैं कि तरबियत, पहले ज्वाइंट फैमिली घर मिलके रहते थे, दादा दादी नाना नानी सिखाते थे, अब अलग रहने सिखाने वाला हो गया। टीवी केबल क्या सीखोगे? मां बाप जैसी कोई नेमत अगर नाराज किया है तो कभी कामयाब नहीं होगे। अक्सर लोग आते हैं, मौलाना साहब बंदिश हो गई, कारोबार नहीं चल रहा, मैं कहा जाओ मां बाप को राजी करो, और जिनके मां बाप दुआएं करने वाले हों वो कभी पीछे नहीं रहते, वो कभी पीछे, अगर उनको नाराज किया उनको नेकी करके उनको राजी करो, देखो कारोबार चमक उठेगा। लेकिन आप उनको नाराज करके समझ रहे हो नहीं मैंने सही किया था, फिर कुछ मिलने वाला नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद बैहकी शरीफ में हदीस मौजूद, फरमाया मैं ईशा की नमाज पढ़ रहा होता, मेरी माँ मेरा नाम लेकर बुलाती, मैं नमाज छोड़कर माँ के पास जाता। कितना बड़ा पैगाम मेरे आपके लिए। मूसा अलैहि सलाम मिजाज में तेजी थी, ऊंची बोल लेते थे, जब जाते थे कोहे तूर पर कलाम करने, मां पीछे मुसल्ला बिछा लेती थी। या अल्लाह मेरे मूसा के मिजाज में तेजी है, बात करते हुए आवाज ऊंची हो जाए तो माफ कर देना। नबी थे वो मासूम, मां मां होती है, दुआ कर रही है, मां का इंतकाल हो गया, मूसा अलैहि सलाम तूर पर गए, गैब से आवाज आई आज जरा होश से बात करना, पीछे दुआ करने वाली नहीं बैठी। अब पहचानो, पहचानो, हमारे घरों में बेबरकती इसीलिए है कि हमने मां बाप की कदर बुला दी। मगर मां बाप भी बड़े अजीब हो गए, उन्होंने औलाद के हुकूक नहीं पहचाने, ऑर्डर देते हैं या मारते हैं या सख्ती करते हैं या उनकी जो जरूरी जरूरियात पूरी नहीं करते, तरबियत नहीं करते, दोनों को ठीक होना पड़ेगा। औलाद पर मां बाप के 6-7 हक हैं, मां बाप पर औलाद के 80 से ज्यादा हुकूक हैं, पता सीखते नहीं। मेरी पूरी तकरीर उस मौजू पर भी है, उसकी भी रिकॉर्डिंग है, देख लेना सुन लेना। पहचानो, कोशिश करो अपने मुआशरे को ठीक करो, जहां मां बाप की कदर नहीं होगी वहां बरकत, बरकत। कितने वाकयात हैं, अजीब अजीब वाकयात। ये वाकया मैंने आपको कई मर्तबा सुनाया होगा, एक बार फिर सुन लो। मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, लंबा सफर है, अल्लाह ने फरमाया मूसा पैदल सफर कर लोगे या सवारी चाहिए? या अल्लाह सवारी मिल जाए तो आसानी होगी। फरमाया यहां हमारा एक बंदा है, जाओ उसके पास, वो तुम्हारे लिए सवारी का इंतजाम करेगा। मूसा अलैहिस्सलाम चले गए उनके पास, वो बंदा नबी नहीं था, अल्लाह वाला था। फरमाया मैं अल्लाह का नबी मूसा अलैहिस्सलाम, उसने कदर की, इज्जत की, हुक्म। फरमाया मैंने सफर करना, मुझे सवारी चाहिए। उसने बादल को इशारा किया, उस बंदे ने बादल नीचे आ गया। फरमाया इस पर बैठ जाइए, जहां कहेंगे पहुंचा देगा। मूसा अलैहिस्सलाम नबी हैं, नबी के जरिए उसकी शान दिखानी थी अल्लाह ने, नबी की जबान से लोगों को पता चले। मूसा अलैहिस्सलाम बैठ गए उस पर, बादल जब ऊंचा हुआ, या अल्लाह इस बंदे को ये कमाल कैसे मिल गया? अल्लाह ने फरमाया मूसा इसने अपनी मां की बड़ी खिदमत की, अपनी मां की
बड़ी खिदमत की, इसकी माँ ने एक दुआ दी थी, इसकी माँ ने कहा था, या अल्लाह मेरे बेटे ने मेरी कोई बात नहीं टाली, तू इसकी ना टालना। इसने मेरी कोई बात कभी टाली नहीं, तू इसकी ना टालना, बस हम इसकी माँ की दुआ की वजह से इसकी हर बात को पूरा कर देते। अंदाजा करो, अंदाजा करो, माँ बाप की कदर पहचानो। अगर वो वफात पा गए उनके लिए नेकी करो, हर दुआ में उनके लिए नेकी करो, जो सदका दो उनकी तरफ से दो, तुम्हें भी सवाब मिलेगा, तुम्हारा सवाब कहीं नहीं जाएगा, उनकी रूह खुश हो जाएगी।